सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप उनको बताने वाला हूँ सैमसंग के नोच के बारे में। तो सैमसंग एक ऐसा कंपनी था जिसमें हमें जिनके स्मार्टफोन में हमें नोच देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब सैमसंग के स्मार्टफोन में भी आपको नोच देखने को मिलेगा। और सैमसंग ने कुछ दिन पहले SDC हुआ था, सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर उन्होंने 4 तरह की नोच को इंट्रोड्यूस किया और वो बताया कि सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन में आपको इस टाइप के नोच देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें तो पहला जो नोच है वो है यू शेप में, और वो बिल्कुल ही वाटर ड्रॉप नोच की तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब वाटर ड्रॉप नोच ही है, बस उसका नाम दिया है यू इन्फिनिटी, वहाँ पर आपको यू टाइप का नोच देखने को मिल जाएगा। दूसरे नोच की बात करें तो यह है भी, मतलब वाटर ड्रॉप नोच ही है लेकिन उसमें हमको नीचे में हल्का कटआउट देखने को मिल जाएगा, तो उसे बोलते हैं वो लोग भी इन्फिनिटी। और जो तीसरा नोच है वो है ओ, मतलब वो कैमरा में कहीं पर एक होल दे देंगे कोने में, जिस तरह से आजकल एक प्रोटोटाइप निकल के सामने आया था जेनफोन 6 का, वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक प्रोटोटाइप निकल के सामने आया था, आपको कोने में एक कटआउट मिला था, वहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो उसे बोलते हैं वो लोग ओ इन्फिनिटी। तो उस टाइप का भी नोच आपको देखने को मिल सकता है सैमसंग के स्मार्टफोन में फ्यूचर में। और जो चौथे नंबर की बात करें तो यह है कि न्यू इन्फिनिटी, इसमें आपको कोई नोच देखने को नहीं मिलेगा, एच टू एच आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, और ये मुझे लग रहा है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको न्यू इन्फिनिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसे एक सीरीज की तरह देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सैमसंग ने यहाँ पर 3-4 तरह के नोट को इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे लग रहा है कि जो न्यू इन्फिनिटी है वो उनके फ्लेक्सिब स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जिस तरह से पूरा स्क्रीन आपको सिर्फ स्क्रीन ही मिलेगा, कोई नोच और कोई होल देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी 3 अगर हम लोग नोच की बात करें तो वो सैमसंग के बजट और मिड रेंज और प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से ए सीरीज, जे सीरीज और अपकमिंग जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन होंगे नए सीरीज के साथ, उनमें आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि सैमसंग के मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन में आपको भी या फिर यू टाइप का नोच देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और सैमसंग ही एक ऐसा कंपनी था जिसके स्मार्टफोन में हमें नोच देखने को नहीं मिल रहा था, और ये न्यूज़ सुन के बहुत कोई का दिल टूटा भी होगा और बहुत कोई का दिल खुश भी हुआ होगा, क्योंकि हम भी वेट करते हैं कि सैमसंग के स्मार्टफोन भी एटलीस्ट हमें नोच दे। क्योंकि देखिए, मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो मुझे नोच पसंद है, चाहे वो कोई भी नोच दे दे। आईफोन 10 वाला नोच भी मुझे पसंद है, और नॉर्मल जो वाटर ड्रॉप नोच आते हैं वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो सैमसंग भी अपने स्मार्टफोन दे रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि मैं सैमसंग लवर हूँ और मुझे सैमसंग के स्मार्टफोन पसंद है, और मैं चाह रहा था कि सैमसंग के स्मार्टफोन भी नोच मिले, वाटर ड्रॉप नोच, तो फाइनली सैमसंग भी ला रहा है। तो सैमसंग ने इससे रिसेंटली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, SDC सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि हम फ्यूचर में लाएंगे, अब 2019 में इनके स्मार्टफोन आ सकते हैं इन सारे नोच के साथ। अब मुझे लग रहा है कि इन 4 जो उन्होंने दिखाया वो चारों एक सीरीज की तरह भी ले सकते हैं आप लोग, कि इस सीरीज में आपको ये नोच मिलेगा, इस सीरीज में आपको ये नोच मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन जहां तक मानना है कि मतलब मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको 2019 में सैमसंग की तरफ से नोच देखने को मिलेगा, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है, कि आप लोगों का दिल टूटा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सैमसंग नोच देगा, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आपके जो भी क्वेरीज है वहाँ पर मैं सॉल्व कर दूंगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आपका जो भी राय है। थैंक यू सो मच।